गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर 9 है ये, ध्यान रखेंगे। इससे पहले लेक्चर 8 हम लोग ने किया था, ये लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉलरेंस जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहले हम टॉलरेंस देखेंगे, टॉलरेंस होता क्या है। एम आई में आपने पढ़ा भी होगा टॉलरेंस, ठीक है। अगर सिर्फ एक लाइन की डिफिनीशन लिखी जाए तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट टू द लोअर लिमिट कॉल्ड टॉलरेंस। मतलब उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट टू द लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है। अब ये इसका टॉलरेंस का फायदा क्या है, अभी हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इसका क्या क्या फायदा है। पहले इसके देखिए डिफिनीशन में लिख देता हूं एक लाइन की, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट लिमिट कॉल्ड टॉलरेंस। एमआई भी है ये, ठीक है। और क्या एक लाइन और लिख देते हैं, इट इज यूजफुल फॉर चेक प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल। If the dimension of the product is more or less than the defined tolerance, define tolerance of the product, then the product will reject. And if the dimension are under the tolerance, between the tolerance tolerance limit, product will be acceptable. ठीक है, मतलब क्या है, सबसे मेन लाइन की डिफिनेशन तो यहाँ पे है कि द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर चेक प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उसके वेरिएशन दिए हुए वेरिएशन के हिसाब से, तब हम लोग टॉलरेंस का इस्तेमाल करके उसको रिजेक्ट और फिर एक्सेप्ट करते हैं। अभी समझेंगे इस चीज़ को आगे। इफ द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर और लेस देन, अगर दिए हुए टॉलरेंस से अगर प्रोडक्ट की डायमेंशन ज़्यादा है या फिर कम है, दोनों ही स्थिति में प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी जो एक्सेप्टेबल कब होगा, जब जो आपका प्रोडक्ट का डायमेंशन इसके बीच में हो, तब ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो प्रोडक्ट क्या होगा, रिजेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि किसी भी
जो प्रोडक्ट होता है उसकी अपर और लो, जो नीचे वाली अपर और लोअर लिमिट दोनों ही डिफाइन करना बिल्कुल ज़रूरी होता है वेयरहाउस के हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मशीन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसा बना दें, पर ये भी ज़रूरी है कि जो बना रहे हैं हो सकता हो कि उसको यूज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत डायमेंशन के ऊपर नीचे होने से हो सकता हो कि एक लिमिट है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत डायमेंशन में फ़र्क आता है तो दैट कैन नॉट बी यूजफुल, क्योंकि वो कहीं अगर कोई मैं सपोज कि कोई मैसिंग पार्ट्स है या फिर कोई मेटल का पार्ट है उसे कहीं जाके फिट होना है तो उसका आप जानते हैं कि 10.001 mm भी उसके अंदर टॉलरेंस क्रिएट कर देगा, मतलब वो लूज होने लगेगा या फिट नहीं होगा, ये सब लोग इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, इसलिए टॉलरेंस ज़रूरी है, उसमें वेरिएशन देना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर वेरिएशन नहीं देते हैं तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने पड़ जाएंगे, इसलिए वेरिएशन देना पड़ता है, अभी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो अगला टॉपिक उससे रिलेटेड है, जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, इसको हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी बोलते हैं स्वीकारिता का क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं स्वीकारिता, स्वीकार्यता, देख लीजिएगा, मुझे बहुत बुक नहीं है मेरे पास, मैं बहुत आपका वो नहीं कर पाऊँगा, बस आप बुक की ज़रूर हेल्प लेंगे, बस यहाँ समझेंगे और बुक की सहायता से ही नोट्स बनाएंगे अपनी, ठीक है। और अगर मेरी बात को सुन करके लिखते हैं तो भी बहुत अच्छा है, फिर भी और डिटेल्स के लिए, क्योंकि मैं सब डिटेल्स क्लास की तरह नहीं दे पाऊँगा, बस जो मेन डिटेल्स हैं वो ज़रूर बता देंगे, ठीक है। चलिए जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं, पहले मैं इसको सीधे एक थोड़ा सा छोटे से फिगर से समझते हैं, फिगर क्या है, एक ग्राफ से समझते हैं इसको, ये एक लाइन है और ये जो है इसको बोलेंगे जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये पूरी जो लाइन क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है, सपोज करिए ये लाइन है 5 दशमलव, किसी किसी बॉडी की लेंथ मान के चलते हैं, जो लेंथ है वो कितनी है 5.00 mm, ठीक है, एम में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, एक आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा, बस यहाँ समझने का है, ठीक है। यहाँ यहाँ या फिर 15 कर सकते हैं, 15.00 mm ले सकते हैं, तो ये लेंथ का था। अब इसमें जो डिजाइनर है उसने वेरिएशन बताया कि भाई देखो 0.05 तक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, 0.05 तक प्लस और माइनस का ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब ये 15.05 मतलब अपर लिमिट इसको कह देंगे, क्या कह देंगे इसको, अपर लिमिट, और इसे क्या कह देंगे, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट में क्या है कि इस 0.05 को जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, तो 15.05 mm, और लोअर लिमिट में क्या आएगा, इसको घटा दिया जाएगा माइनस वाला तो क्या आ जाएगा, 14.95, 9.5 mm, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं सपोज करिए कि उसका डायमेंशन जो है 15.01 है, तो 15.01 वाला एक्सेप्टेबल, 15.02 है एक्सेप्टेबल, 15.04 है एक्सेप्टेबल, अपर लिमिट और मेन के बीच में है, ठीक है। और इसी तरीके से 15.04 ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 15.06 आ गया तो वो बाहर निकल जाएगा, 15.06 ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर 15.07 आ गया तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि डिजाइनर ने कहा है कि सिर्फ आप +0.05 तक का ही उसमें एडिशनल कर सकते हैं अपर लिमिट में, तो इस अपर लिमिट को इतना बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से लोअर लिमिट में क्या है कि मान लीजिए कोई आता है 14.95 है, तो 14.96 तो ये क्या है एक्सेप्टेबल है, ठीक, 14.97 एक्सेप्टेबल है, 14.98 ये सब क्या है
एक्सेप्टेबल है, ये भी क्या एक्सेप्टेबल, लेकिन 14.94 एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर 14.93 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब आपके पास अगर सपोज करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 प्रोडक्ट है, तो 11 में कितने नॉन एक्सेप्टेबल हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4, मतलब 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूजफुल हैं, जिसका उपयोग हो सकता है, जिसको मशीनिंग पार्ट्स में जो वर्क कर सकता है, और 4 ऐसे हैं जो नॉन यूजफुल हैं। ठीक है, जो 4 हैं वो क्या है, नॉन यूजफुल है, उसका हम लोग मशीन पार्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है वेरिएशन देना, वेरिएशन दे करके। अब क्योंकि चूंकि प्रोडक्ट अगर ये एक्सेप्टेबल है, मान लीजिए इसको हम रिजेक्ट ही कर दें, हमको 15.00 बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं मिलता है, अब 15.01 मिल रहा है, तो वो अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो वहाँ पर यूज हो सकता है, तो इस तरह से वर्क तो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए डिजाइनर एक वेरिएशन देता है कि इतना वेरी कर सकते हैं, इतना ऊपर नीचे किया सकता है। तो ठीक है, अब जोन ऑफ एक्सेबिलिटी है क्या, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो जोन ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं, जोन ऑफ एक्सेबिलिटी, शॉर्टकट में लिखा एक्सेबिलिटी, इज द रीजन, रीजन मतलब होता क्षेत्र, रीजन बिटवीन अपर अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ प्रोडक्ट वेयर वेयर प्रोडक्ट आर एक्सेप्टेबल। बियॉन्ड बियॉन्ड अपर लिमिट प्रोडक्ट विल रिजेक्ट एंड बियॉन्ड बियॉन्ड लोअर लिमिट प्रोडक्ट विल बी रिजेक्ट। ठीक है, जैसा जैसा यहाँ पे दिखाया है वही मैंने लिखा है कि जोन एब्सोल्यूट वो रीजन है जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबल किया जाए, जो टिक मारा है वो एक्सेप्टेबल कहता है। बियॉन्ड द अपर लिमिट, ऊपर लिमिट के बाहर वाले को वो रिजेक्ट हो जाएगा, एंड बियॉन्ड द लोअर लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, नीचे के बाहर वालों को वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जोन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी होता है, ये इन दोनों के बीच में वो क्षेत्र है जिसमें सारे प्रोडक्ट के डायमेंशंस अगर आती है, सबकी लेंथ वैसे आती है, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सारे जितने ही प्रोडक्ट हैं सब एक एग्जैक्ट साइज के तो नहीं बनते हैं, इसीलिए वेरिएशन प्रोवाइड करा जाता है, डेविएस वेरिएशन देते हैं, सॉरी डेविएशन कहते हैं, वेरिएशन क्या है उसको डेविएशन कहते हैं, तो इसीलिए डेविएशन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और डेविएशन प्रोवाइड करा के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फाइंड द अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, फाइंड द अपर एंड लोअर लिमिट, यूज द डेविएशन एज फॉलोज। कैसे, जैसे हमें लोअर लिमिट निकालना है, क्या निकालना है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड साइज, ये क्या था आपका, ये क्या है स्टैंडर्ड,
ये क्या है स्टैंडर्ड साइज, साइज और प्रोडक्ट माइनस का डेविएशन जो डिजाइनर ने प्रोवाइड कराया कि हाँ आप इस साइज से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, तो डेविएशन है कितना वो डिजाइनर देता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल में आप जानते हैं कि 15.00 mm वो था और डेविएशन ने 5 डेविएशन में 0.05 का डेविएशन दिया था, मतलब प्लस और माइनस का। तो अगर लोअर लिमिट है तो माइनस का 0.05 करके निकालते हैं तो क्या आता है 14.95 निकल के आएगा। ठीक है, तो इतना लोअर लिमिट में माइनस लगा दीजिए, इतना लोअर लिमिट में नीचे तक ले सकते हैं। उसी तरीके से अपर लिमिट के लिए सेम वही स्टैंडर्ड साइज मैसेज लिख दे रहा हूँ ऑफ प्रोडक्ट माइनस का डेविएशन। ठीक है, अब ये चूंकि ये अपर लिमिट में इसको प्लस कर देते हैं तो ये कितना है 15 प्लस का 0.05 तो कितना आ जाएगा 15.05। तो अब जो इसकी रेंज हो गई, किसकी मतलब एक्सेबिलिटी की रेंज हो गई, जोन ऑफ एक्सेबिलिटी की रेंज जो हो गई वो क्या हो गई कि भैया 15.05 to 14.95 के बीच में रहेगा। और इसे इसी को टॉलरेंस में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं जानते हैं आप लोग एमआई में, 15 प्लस का 0.05 माइनस का 0.05 इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। तो ये है जोन ऑफ एक्सेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। बस ये वो जोन रहेगा जिसमें प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएंगे और उसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर ऊपर है तब भी रिजेक्ट, नीचे है फिर भी रिजेक्ट। ये दोनों जोन, ये किसके जोन है, ये रिजेक्ट के जोन है और ये भी क्या ऊपर वाला क्या है का जोन है रिजेक्ट का। तो ये इस दोनों जगह पे क्या होगा प्रोडक्ट विल बी रिजेक्टेड। तो इसी तरह मान लीजिए कि 500 प्रोजेक्ट बने तो सबकी ऐसे ही निकाल के चेक करते रहते हैं, क्योंकि अगर जोन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं निकाला जाएगा तो बहुत प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि जोन के बाहर रहेंगे, वो रिजेक्ट हैं, तो वहाँ जहाँ पे ये मैसिंग पार्ट्स में जाके जोड़ने जाएंगे तो वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे, तो टाइम और पैसे सब चीज़ का बहुत नुकसान होगा, इसलिए बिल्कुल ज़रूरी जो कि टॉलरेंस करता है। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।